डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉग टाइम्स न्यूज़, यूपी का जनपद महाराजगंज। हमारी डॉग टाइम न्यूज़ ने निचलौल में बिना पंजीकरण का अभी एक हॉस्पिटल कृष्णा हॉस्पिटल का खुलासा किया ही था कि तब तक एक और हॉस्पिटल का मामला सामने आ गया जो आंचल हॉस्पिटल नाम से संचालित हो रहा है, जिसके बारे में एसीएमओ साहब ने जानकारी दिया कि निचलौल में इस नाम का कोई हॉस्पिटल पंजीकृत नहीं है। इतना ही नहीं, जब हॉस्पिटल की पड़ताल किया गया तो पता चला कि वहां पर कोई डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं है, और तो और वहां पर दो मरीज ऑपरेशन कर लिटाए गए हैं, उनके देखरेख के लिए अनट्रेंड लोग लगाए गए हैं। आंचल हॉस्पिटल को क्या कार्रवाई का कोई डर नहीं है? क्या उस हॉस्पिटल के संचालन में कमीशन का खेल चल रहा है या किसी के सह पर चल रहा है यह आंचल हॉस्पिटल? अब ऐसे में स्वास्थ्य महकमे पर भी एक बड़ा सवालिया प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है कि क्या कर रही है जिले की स्वास्थ्य महकमा। आखिर में कैसे संचालित हो रहा है इस तरह के अवैध हॉस्पिटल? कब होगा इस तरह के हॉस्पिटलों पर कार्रवाई? क्या ऐसे ही मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? अब तो देखना यह है कि क्या सीएमओ मैडम या एसीएमओ साहब इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डॉग टाइम्स न्यूज। आप देख रहे हैं डॉग टाइम न्यूज। हम इस समय महाराजगंज जनपद के निचलौल तहसील सिसमा रोड पे स्थित आंचल हॉस्पिटल के गेट पे खड़े हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस नाम से सीएमओ ऑफिस में किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन पंजीकृत नहीं है। ये हॉस्पिटल यहाँ पे चल रहा है। बोर्ड के हिसाब से ये लग रहा है कि हॉस्पिटल में सारी वो मल्टी स्पेशलिस्ट व्यवस्थाएं हैं। आइए हम बात करना चाहते हैं कि स्टाफ से, देखें क्या वो जानकारी देते हैं हमको। आ गए भैया, और बताइए एक मिनट लिए, क्या नाम है आपका? नित्यानंद यादव। नित्यानंद यादव, कितना दिन हुआ हॉस्पिटल खुले में? सर 6-7 महीने। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? सर हमारे वहाँ नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं। डॉक्टर कहाँ से आते हैं? गोरखपुर से आते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब? विशाल सर हैं और ऋषिकांत सर और विशाल सर। तो ये हॉस्पिटल जो संचालित हो रहा है आपका, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत हॉस्पिटल है आपका, लेकिन आपके किसी बोर्ड पे कोई पंजीकरण तो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला जाता है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं। अभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप उसको कैसे ट्रीटमेंट उसका करेंगे सर? जैसे हॉस्पिटल है और कोई सीरियस पेशेंट आ ही गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा सर? फोन कर देते हैं अगर कहीं रहते हैं सर तुम्हारे। नहीं, अगर वो महाराजगंज है यहाँ पे, मैं पेशेंट आ गया बन के, तो क्या डॉक्टर साहब आ जाएंगे? हाँ सर आ जाएंगे। घंटा भर तो लग जाएगा ना? नहीं सर, ऐसी बात रहती है। गोरखपुर से आ जाते हैं, फ्लाइट से आ जाएंगे गोरखपुर से। तो आपको पता होना चाहिए कि शासनादेश है कि हॉस्पिटल खोलने से डॉक्टर का निवास 5 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर साहब गोरखपुर से आते हैं, यहाँ से आते हैं, क्या मतलब सर? यहाँ पे आते भी इस समय कौन है आप? इस समय कौन डॉक्टर है? इसमें ऋषिकांत सर है, तो अभी थोड़ा आधा घंटा पहले निकलेगा। अच्छा, इस समय कौन है, देख रेख कौन कर रहा मरीजों का? मैं देख रहा हूं। आप, आपका क्या है मतलब? कितने मरीज हैं यहाँ पे इस समय? दो पेशेंट। दिखाइएगा थोड़ा सा ऑपरेशन वाले, थोड़ा सा दिखाएंगे क्या? जी सर। नमस्कार मैडम, 2 मिनट का टाइम है। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। ऑपरेशन हुआ है आपका? किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? पथरी का ऑपरेशन। कैसे हुआ? 5 दिन हो गया। कोई असुविधा आपको? सुविधा सर बहुत अच्छा है। नाम सब प्रॉपर आपको डेली देखते हैं, ट्रीटमेंट आपका चल रहा है? चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हर्षतुल निशा। कहाँ की रहने वाली है? नक्सा। ऑपरेशन हुआ आपका? किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ आपका? अच्छे तरह का। कितना दिनों ऑपरेशन हुआ?
अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है? चलिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल में मरीजों का ऑपरेशन भी हुआ है, मरीज एडमिट भी हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद नहीं मिले। क्या नाम है आपका? हेलो, नाम बता दीजिए पहले। कर लीजिए, क्या नाम है आपका? अवनीश आर्य। अवनीश यादव? आर्या। अवनीश आर्या, किस पोस्ट पे हैं आप? यहाँ वो अभी सीख रहे हैं सर। क्या मतलब ट्रेनिंग में है अभी आप यहाँ पे? तो ड्यूटी आपका मतलब देखभाल करना है यहाँ पे। अच्छा, कितने दिन से हैं यहाँ पे? अभी तो नया ज्वाइन हुआ, अभी नई ज्वाइनिंग हुई है। किससे बात करा रहा? किससे बात करवा रहे हैं? विशाल सर से। हाँ ठीक है, ओटी पंजीकृत है। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हम सर डार्क टाइम न्यूज से एस एन पांडे बोल रहे हैं, मिसलोन से। अभी मुझे सीएमओ ऑफिस से जानकारी मिली है कि आंचल हॉस्पिटल के नाम से यह हॉस्पिटल पंजीकृत नहीं है। नहीं, मैं ये जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, सीएमओ का रिकॉर्ड वीडियो मेरे पास है। आप मेरी बात सुन लें सर, आप मेरी थोड़ी सी बात सुन लें सर। मैं नहीं, आप थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन तो देने वाला मैं व्यक्ति हूं नहीं। मुझे जो सूचना मिली है, परिजन संबंध ओटी का पंजीकृत बताए। एसीएम डिप्टी सीएमओ प्रसाद जी ने यह सूचना दिया है। जी जी, यहाँ डॉक्टर कौन है ये बताएं? यहाँ पे इस समय कौन डॉक्टर है सर? यहाँ पे सर इस समय कौन डॉक्टर है? डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपके हॉस्पिटल पे इस समय कौन डॉक्टर है? मरीज कौन देख रहा है? यहाँ पर तो कोई नहीं है, दो मरीज आपके एडमिट है, डॉक्टर कोई नहीं है। नहीं, वो ठीक है डॉक्टर साहब, घर गए हैं, लेकिन आपने जिन दो मरीजों को ऑपरेट करके लिटाया है उनकी भी तो रिस्पांसिबिलिटी आपकी बनती है ना। अच्छा, कल आए हैं, अगर इमीडिएट अभी कोई मान लीजिए मरीज की हालत बिगड़ जाए तो फिर कौन? अच्छा भगवान, नहीं बिगड़ेगा कैसे डॉक्टर साहब? हम देखिए, हम और आप यमराज के रिश्तेदार तो नहीं बन सकते ना। मरीज है, अगर कोई क्रिटिकल पोजीशन आ गया, हॉस्पिटल है तो किसी एक को तो रहना चाहिए यहाँ पे ना। ठीक है, आपके सारे बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं डॉक्टर साहब उनके मोबाइल में। आपके सारे बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, अगर गलत है तो इसका जवाब सीएमओ देंगे, आप गलत हैं तो आप जवाब देंगे। नमस्कार, रखिए फोन। डॉक्टर कोई उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।